हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आइए, आज हम लोग ऐसो उस पर बात करते हैं कि यहाँ फोर्स को हम लोग लेकर के क्यों ऐसे पढ़ने जाएंगे वो बताएंगे। ठीक है, फोर्स को लेकर के ही ऐसे क्यों पढ़ते हैं वो बताएंगे। समझने का प्रयास करिएगा और एग्जाम्पल खोजने का प्रयास करिएगा। हम सभी को क्या जानते हैं, फोर्स। फोर्स जानते हैं, फोर्स क्या होता है, किसी वस्तु को धकेलना, पुश करना या किसी वस्तु को खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो केवल धकेलना और खींचना ही बल कहलाता है, और कुछ नहीं कहलाता है, ऐसा है क्या? नहीं, किसी वस्तु को मोड़ना भी वो भी तो बल हुआ। किसी वस्तु को सिकुड़ना भी, कहेगा सर सिकुड़ेंगे कैसे किसी वस्तु का, अरे बैलून एक क्या है, ये बैलून है सो क्या, एक वस्तु है, हवा भरा हुआ है उसमें, बच्चा क्या ऐसे ऐसे दबाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका शेप बदल जाता है, तो वहाँ सिकुड़ता है। कहेगा सर वहाँ तो शेप बदलता है ना, था हवा निकाल दो, वो सिकुड़ गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किसी में हीट लगा दो तो वो एक्सपेंड कर जाता है, जैसे गर्मी के दिनों में तार की लंबाई है सो बढ़ जाती है, हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स में जो इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं स्ट्रीट लाइट, उसमें तार जो खींचे रहते हैं उसका लेंथ बढ़ जाता है कि नहीं। गर्मी अभी समाप्त हुआ, समाप्त होगा अभी, देखिएगा लंबाई बढ़ जाते जाएगा और बरसात आएगा तो वो थोड़ा सा घट जाएगा, तो इसीलिए बीच बीच में मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। चलिए, इसका मतलब अभी आप समझ गए होंगे। कहेंगे सर लास्ट में बोले थे कि क्रिकेट से समझाएंगे, अभी आ गए फिर से बार बार इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम क्रिकेट में देखते हैं। क्रिकेट को बॉल अगर उठा रहे हैं और बल्लेबाज मारता है तो उसमें कितनी प्रक्रियाएं होती है, गौर से सुनिएगा। कोई वस्तु विराम में है, उसको उठाएं तो उठाया, कोई बॉल उठाया और उसको फेंका तो उसमें फोर्स लगा, तो उसको धक्का दिया तो वो आगे गया, तो इसका जो आगे गया तो वह कितना दूर गया, तो जितना दूर गया बल्लेबाज क्या करता है कि उसका डायरेक्शन को बैट से हिट करता है, मतलब फोर्स लगाता है, तो उसका डायरेक्शन भी बदल देता है और वो जितना दूर वहाँ तक गया उससे ज़्यादा दूर भी जल जाता है। अगर उससे अधिक है सो क्या फोर्स वहाँ पर है सो लगा, तो मतलब अब फिर वह बॉल फिर कहाँ चला जाता है, विराम में चला जाता है। इसका मतलब वहाँ पर अगर कोई बल फिर नहीं लगा तो वस्तु रुक जाता है, मतलब विराम था में था और विराम में ही चला जाता है। बीच में हाथ द्वारा बल लगाया गया, फेंका गया, बल्लेबाज द्वारा है सो बैट से हिट किया गया, वहाँ एक्सटर्नल फोर्स उभी हुआ, फेंका गया बॉल के द्वारा उभी हुआ, जमीन में टप्पा खाया, टप्पा के द्वारा जमीन के द्वारा उस बॉल में है सो फोर्स लगा, लेकिन चूंकि वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, चूंकि वह वस्तु रुका, वस्तु मतलब जमीन रुका हुआ है, जिस रुका हुआ है उसमें बॉल लगा तो क्या है, रुकी हुई वस्तु में लगा, इसके लिए उसमें वहाँ पर जाके कुछ उसका बल कम हो गया और धीरे 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 क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होते 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 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अधिक होते हुए, कम नहीं, अधिक होते होते वस्तु फिर रुक जाता है, बॉल रुक जाता है। तो इन सभी में हम लोग फोर्स को ही क्यों लिए, चूंकि दुनिया में जितना भी काम होता है बिना बल लगे हुए कोई काम नहीं होगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो बिना, अगर आप मतलब पढ़े बिना सोचे आपका पढ़ाई होगा ही नहीं, केवल वीडियो देख रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समझने में नहीं प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यहाँ फोर्स का मतलब क्या होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अगर ये सोचेंगे तो हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए, यह फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा क्यों बोले, चूंकि लास्ट क्लास में बोले भी थे कि फिजिकल क्वांटिटी है सो समझाएंगे, चूंकि टॉपिक पर आएंगे हम लोग तुरंत आ जाते हैं, चूंकि यहाँ मैथमेटिकल टूल्स है, यहाँ फिजिक्स तो है नहीं, फिजिक्स को मैं बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा जब आप लोग क्लास में आएंगे या तो नए वीडियोज़ में आगे अगर यूनिट वाइज जो वीडियो बनाएंगे उसमें आएंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पर है सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी फिजिक क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है, मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है, मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको जो भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, कोई भी चीज़ जिसको मापा जा सकता है, तो बोर्ड को मापा नहीं जा सकता, कहिएगा सर ये भी तो चीज़ है, नहीं, बोर्ड चीज़ है
लेकिन बोर्ड चीज को नहीं मापा जाता है, बोर्ड के उन चीजों को मापा जा सकता है जिसको हम लोग कुछ समझते हैं। बोर्ड को क्या माप रहे हैं बोलिए तो, बोर्ड में क्या माप रहे हैं, कुछ माप रहे हैं। बोर्ड की लंबाई कितनी है, बोर्ड की चौड़ाई कितनी है, तो यह लंबाई और चौड़ाई फिजिकल क्वांटिटी हुई, वह बोर्ड है सो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई, लेंथ और ब्रेथ फिजिकल क्वांटिटी हुई, वस्तु फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। हमने क्या बोला, किसी भी क्वांटिटी यानी राशि, राशि का मतलब वस्तु नहीं होता, राशि का मतलब जिसको मापा जा सकता है। तो मापा किसको जा सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसके बाद क्षेत्रफल एरिया, उसके बाद वॉल्यूम उसको मापा जा सकता है, उसके बाद मास, उसके बाद वेट, ऐसा सुने होंगे 5 kg 10 kg ऐसे करके, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद वर्क, उसके बाद मतलब इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी आप जो नीचे क्लासेस में पढ़े हैं। सर इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, सर हम लोग पढ़े हैं नीचे क्लास में उसको भी। सर पोटेंशियल भी मापा जाता है, चूँकि उसका भी क्या होता है, क्या होता है सर उसका भी, हमने क्या बोला, जिसको मापा जा सकता है, जिसमें मापा जा सकता है उसमें दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड और यूनिट, गलत लिख दिए, कहेंगे सर डायरेक्शन अभी लिख रहे हैं, हमको पहले बताइए क्यों ऐसे लिखे, इसका मतलब आप भी गलत लिख रहे हैं, नहीं 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 वो क्यों ऐसे लिखे वो अभी पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होता है, जैसे 5 meter लिखे तो यहाँ 5 क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और मीटर क्या हुआ, ये यूनिट हुआ, इतना सही है। लेकिन जहाँ पर फोर्स लगेगा वहाँ पर डायरेक्शन भी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मेजरमेंट तो होगा, 5 newton फोर्स लगा लेकिन किस ओर, किस डायरेक्शन में, उधर या इधर, मतलब धकेले तो उधर, उधर का मतलब क्या होता है देखेंगे आगे क्लासेस में, इधर, इधर का मतलब क्या होता है आगे क्लासेस में, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर फोर्स को डिफाइन करेंगे, तो वहाँ देखेंगे इधर या उधर, मतलब वो डायरेक्शन होता है। 5 newton बल लगा पूर्व की ओर, फोर्स लगा ईस्ट की ओर, टुवार्ड्स ईस्ट, ऐसे लिखा हुआ मिलता है, इसीलिए हम यहाँ अभी डायरेक्शन लिखे थे। तो बोलिएगा कि क्यों ऐसे लिखे थे सर, तो हम लोग कोई भी क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन वह माप में केवल मैग्नीट्यूड और यू, मतलब उस माप में मैग्नीट्यूड रहे और उसका यूनिट रहे लेकिन डायरेक्शन नहीं रहे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, अदिश राशि, अदिश भौतिक राशि, आप सभी को जानते हैं नीचे क्लास में पढ़े हैं 10th class, चूँकि अभी आप लोग करेंट पढ़ रहे हैं, करेंट क्या बोले, करेंट पढ़ रहे हैं, मतलब 10th class करेंट पढ़ रहे हैं, मतलब अभी पास करके आ रहे हैं, तो करेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, करेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कहेंगे नहीं सर इसका डायरेक्शन भी होता है, तो वह जो डायरेक्शन होता है वह सेंस बताता है, वह किस ओर जा रहा है वह फिक्स डायरेक्शन नहीं बताता, इसीलिए यह क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आप लोग पढ़े होंगे स्केलर क्वांटिटी। वर्क, करेंट मतलब क्या, विद्युत धारा, वर्क, वर्क मतलब कार्य, कार्य है सो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये नीचे क्लास में आप लोग पढ़े ही हैं कि कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कहेंगे सर अगर मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ एक डायरेक्शन रहे, मतलब ये डायरेक्शन रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, फोर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड किस होगा, उसमें क्या होगा, यूनिट होगा और साथ में डायरेक्शन होगा। कहेंगे सर आज फर्स्ट टाइम आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो जनरली क्या होता है,
मैग्नीट्यूड है सो बोल करके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है सो बोला जाता है। आप वो जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो भी सही बोल रहे हैं, चूंकि बच्चे लोग आजकल जल्दी समझते नहीं है, इसलिए मैंने यूनिट जान के लिख दिया। 5 मीटर ही मैग्नीट्यूड ही है और डायरेक्शन है, सामान्य तौर पर बुक में ऐसे ही लिखे हुए रहते हैं कि वह क्वांटिटी, वह भौतिक राशि जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। इसको क्या बोलते हैं? सदिश। और इसको क्या बोलते हैं? अदिश। ये नीचे क्लास में बच्चे लोग, अदिश हो सकता है हिंदी में थोड़ा ये हो जाए। तो यहाँ पर फोर्स जो है वह क्या है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसा क्यों बात किए कि फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए, जिसको मापा जा सकता है, जिस क्वांटिटी को उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो उसको बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये वह क्वांटिटी जिसमें क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? चूँकि हम लोग जितना भी अभी उदाहरण लिए कि एक बॉल उठाएँ तो वह किस दिशा में उठाएँ, एक बॉल को फेंके वो किस दिशा में फेंके, वह बॉल को बैट्समैन हिट किया तो किस दिशा की ओर फे हिट किए और वह कितना दूर तक गया, दोनों मेजरमेंट होता है। तो इसीलिए वह क्या हो गया? वेक्टर हो गया। अब वह बैट से कितना है सो एंगल से मारा, कितना एंगल से मारा, तो इसका मतलब क्या? वह जमीन से ऐसे करके उठा है। कहेगा सर ऊपर मारता है सो, हाँ ठीक है ऊपर में ऐसे मारा, कोई सर कोई ऐसे मारता है सो, तो उसका देखते हैं ना कि कैसे होता है। इसका मतलब क्या है? जो इससे पहले हम स्लोप पढ़ाएं वो एंगल से ऐसे, एंगल या तो एंगल ऐसे या तो एंगल ऐसे, एंगल से ही ना वो बैट्स को ई करता है। इसका मतलब एंगल यानी स्लोप हम लोगों को जानना जरूरी था। इसका अर्थ क्या था कि स्लोप हमको जानना जरूरी था कि अगर हम लोग इस प्रकार से हम लोग ऐसे करके दिखाएं कि यहाँ फोर्स एफ है, अभी हम लोग डायरेक्शन का बात अभी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात करेंगे। अगर यहाँ बोल दिए 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ एक एफ ऐसे करके है, तो हम यहाँ पर है सो इसको एफ दिखाएं, एफ इसको, इसमें कुछ नहीं लिखे हैं, गौर से देखिए। और उस समय जो पढ़ा रहे थे स्लोप में, यहाँ और यहाँ लिख रहे थे, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कारण है कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब अगर कोई यह है सो फोर्स को यहाँ से ऐसे कर दो, ऐसे इसको है सो ऐसे करके ऐसे कर दो यहाँ, तो इसका मतलब बॉल यहाँ है, बॉल यहाँ रखा हुआ विराम में ऐसे, अब कोई उठाया तो एंगल से उठाएगा, तो इससे कितना एंगल से उठाया, और कोई फेंका तो उसको कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ कितना यहाँ से उठाया ऐसे और ऐसे फेंका, तो इसका मतलब वह कितना एंगल से गया, तो ये कितना एंगल से गया, है ना, तो कितना एंगल से गया तो कितना दूर जाएगा, सब हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम बात कर रहे हैं अभी सारा टोटल चीज़ पढ़ेंगे। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हम लोग एक वेक्टर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, वेक्टर का एक चैप्टर ही है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमने यहाँ क्या बोला? ना हमने इसमें कुछ लिखा और ना इसमें कुछ लिखा, ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में कुछ नहीं लिखा, तो ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए चूँकि यहाँ पर है सो वेक्टर जो है, वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है वह दो कंपोनेंट में टूटता है। किसमें बोले? दो कंपोनेंट में टूटता है, अगर एक्स वाई प्लेन में वह ऐसे करके ग्राफ दिखाया है तो। तो इसीलिए जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वह हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स, या इसी को लिखते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का, देखो एक वेक्टर,
ऑफ ए वेक्टर इन टू कंपोनेंट दो कंपोनेंट में, एक एक्स में एक वाई में, एक्स में कैसे टूटता है और वाई में कैसे टूटता है। तो हम लोग अगर ऐसे करके देखें तो अगर हम लोग इसको है सो इस प्रकार से ले ले, सपोज ऐसे ले ले और तीस डिग्री के जगह हम थीटा लिख दें, अभी कितना एंगल से मारा है बैट से पता नहीं है, यहाँ फोर्स ऐसे कर दें, अगर ऐसा कर दें तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, हमेशा ऐसे ही होगा। अब यहाँ से यहाँ ये ऐसे करके है ना, तो यह ऐसे करके जा रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन हुआ, यानी ये स्लोप ऐसे नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि ये कितना है, ये कहिएगा सर ये वाई लिख दीजिए और यहाँ से यहाँ एक्स लिख दीजिए, उस समय तो इसे ही पढ़ाए थे, उस समय हम यह नहीं बोले थे कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने यह नहीं बोला, हमने क्या बोला कि एक पॉइंट है, तो पॉइंट जो होता है वह एक पॉइंट कहीं से डिस्टेंस है, यानी दूरी एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए वहाँ दो कंपोनेंट का बात नहीं हुआ था। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहाँ कंपोनेंट का जरूर से इस्तेमाल करिए कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, अगर स्केलर है तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है दो भागों में ये टूटेगा, लेकिन अगर वेक्टर है तो वह दो भागों में टूटेगा, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन जिसमें है। तो अब टूटने का क्या रूल है, तो देखिए हम जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ये एफ है इसीलिए वाई एक्सिस में इसको नाम दे दिए एफ वाई, क्या दे दिए एफ वाई, वाई एक्सिस में फोर्स, और ये एफ है एक्स एक्सिस में दे दिए एफ एक्स। अब यहाँ से यहाँ एफ एक्स कितना होगा और यहाँ से यहाँ एफ वाई कितना होगा, ये एफ वाई किसके टर्म में, एंगल के टर्म में, चूँकि वह एक एंगल से जा रहा है, एक एंगल से हम उठाएं बॉल को, एक एंगल से फेंके बॉल को, एक एंगल से हिट किए बॉल को, नहीं तो हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ये बहुत ही काम का चीज़ है बच्चों, इसको आप लोग को समझना होगा। तो हम लोग ऐसे करके देखेंगे कि एफ वाई बराबर वाट और एफ एक्स बराबर वाट। तो यहाँ इसको हम मिटा दें, इसको मिटा करके आप लोग पॉज करके सभी लिखते जाइएगा, ऐसे ही नोट्स बनाते चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहिएगा सर जरा ठीक से लिख देते इसका नोट्स ऐसे ही बनाएंगे, अगर पीडीएफ भी भेजेंगे ना तो यही भेजेंगे, इसीलिए कुछ ऐसा नहीं और हम नोट्स लिखेंगे नहीं, आप लोग अपने से लिखते जाइए। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या है, ये थीटा है, यह निकालना है ना, और यह पता है हम लोग को, केवल यही ना है कि उधर जा रहा है, तो ये पता है लेकिन ये नहीं पता है। तो ये अगर गौर से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल ओ एम और इसको पी पॉइंट दे दिए कि पी पॉइंट ऐसे करके ऊपर तक पी तक दिखा रहे हैं, तो बजरंगबली का झंडा ऐसे करके कहेगा सर झंडा तो किसी का भी हो सकता, हाँ ठीक है हम मान के चले ये वजह कि ऐसे करके है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके सामने एंगल के सामने इसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके देखते हैं, अब हम लोग ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे करके दिखा दिए, ये एफ है, एफ है, यहाँ थीटा है, बस इतना ही है। अब बोल रहा है ये ओ है या पी है या एम है, ये कितना होगा और ये कितना होगा, और केवल ये दिया हुआ है, ये इसके सामने ये क्या है, इसको बोलते हैं लंब, जिस अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, या इसके और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जिसको क्या बोलते हैं कर्ण, अगर हिंदी मीडियम में है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस, जिसको हम लोग बी से इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऐसे करके बेस को बी से, हाइपोटेनियस को लेटर पहला एच है इसीलिए एच से, ऐसे करके। तो ये निकालना है, ये वाला, तो ये क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, ये एफ, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण के रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण हिंदी मीडियम में, और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे क्या जानते हैं, एच बाय पी, नहीं नहीं सर, पी बाय एच,
पी बाय एच। तो पी बाय एच अब इसका वैल्यू रखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू पी, पी का वैल्यू कितना है ये तो निकालना है, इसका वैल्यू कितना है इस फिगर में देखिए एफ वाई, और एच, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कहिएगा एच, एच तो हम ही बताएं कि इसका हाइपोटेनियस को एच से इंडिकेट करते हैं, है तो ये ना फोर्स ना, है ना ऐसे करके फोर्स, तो ये हम लोग दे दिए एफ। तो एफ वाई बराबर क्या हो गया, एफ वाई बराबर हो गया एफ साइन थीटा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ लिख दिए। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर आपको निकालना है ये, तो ये और ये का रेशियो क्या होगा, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच होता है ना, और आधार बटे कर्ण ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बी बटे एच, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू ये कितना है ये एफ एक्स माने, तो एफ एक्स बटे एच का वैल्यू कितना है एफ है, तो एफ लिख दी, तो देयर फोर एफ एक्स बराबर कितना हो गया एफ कॉस थीटा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यह जो हम लोग देखे, यहाँ पर हम लोग यह जो देखे वह क्या है, यहाँ पर है कि अगर कोई इस प्रकार से एफ फोर्स लगा और यहाँ यहाँ पर एंगल थीटा है और ओ है, तो इधर इधर इसको बोलते हैं एफ वाई और इसको बोलते हैं एफ एक्स, है ना एक्स एक्सिस में एफ एक्स एफ वाई, वाई एक्सिस में अगर यहाँ पी रहेगा तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स, यहाँ पी वाई, यहाँ भी रहेगा तो हो जाएगा इसको हो जाएगा क्या भी एक्स भी वाई। यहाँ अगर है सो अगर मान लेते हैं कि कुछ भी ऐसा वेलोसिटी हो जाए मोमेंटम हो जाए, यहाँ टॉर्क ऐसे करके लिख दिए टाओ, तो यहाँ हो जाएगा टाओ एक्स, यहाँ हो जाएगा टाओ वाई। कहेंगे सर ये सब क्या है, ये सब बाद में जानेंगे, अभी है सो केवल जानिए कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो एफ एक्स बराबर कितना आया, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, देख लीजिए है। तो ऐसे करके तोड़ने सीखिए, अब रट्टा मारने का मतलब नहीं है, ये जहाँ से एंगल दिया रहेगा उसके साथ कॉस लगा देना है और जो एंगल नहीं रहेगा उसके साथ साइन लगा देना है। कहने का मतलब अगर ऐसे करके लिख दिया पी और यहाँ दे दिया थीटा, तो हम क्या बोले जे जिसके साथ एंगल लगा रहेगा वहाँ कॉस लगाना है, तो यहाँ पर पी होगा लेकिन पी क्या हो जाएगा एंगल किससे के साथ लगा हुआ है, इसके साथ, रटना नहीं है इसको, ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल रहेगा वह क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। कहेंगे कि सर ये मतलब याद रखना होगा, हमने क्या बोला रटना नहीं है, अगर आप देखिएगा तो ऐसे करके खींचिए लाइन खींचिए और फिर निकालिए, ये पी है ना उसके बाद ये एंगल के थीटा, तो यहाँ ना ट्राइंगल बनेगा, निकालिए इसी प्रकार से, तो इस ओर है सो पी कॉस थीटा आ जाएगा, ई ए सो पी साइन थीटा, मतलब जिसके साथ ये रहेगा थीटा रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे, इसको पी एक्स बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे पी वाई ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि कोई जैसे एग्जांपल के तौर में ऐसे दिया हुआ है, अभी दिखाए थे एफ यहाँ दिया हुआ था ये थर्टी, तो यहाँ ओ, तो इसमें एफ एक्स लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे एफ वाई, तो एफ एक्स जो लिखेंगे वह क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा और यहाँ क्या लिखेंगे एफ साइन थीटा। तो अब अगर हम यहाँ दे दिए पाँच न्यूटन, पाँच न्यूटन और ये दे दिए तीस डिग्री, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा पाँच कॉस क्या तीस डिग्री और यहाँ क्या लिखा जाएगा पाँच कॉस सॉरी साइन, ये साइन ना साइन 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालिए इसका, तो एफ एक्स का मान ये हो जाएगा, एफ वाई का मान ये हो जाएगा, नहीं उसी प्रकार से इस प्रकार से। तो हम लोग ध्यान मेन ये रखना है